नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत गद्य भाग की पुस्तक के द्वितीय अध्याय वासुदेव शरण अग्रवाल और उनका निबंध राष्ट्र का स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व इस पाठ पर हम दो चर्चा कर चुके हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में अन्य साहित्यकारों से एक अलग ही तरह की और विशिष्ट पहचान रखते हैं। उनका संबंध हमारे प्राचीन साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व और इतिहास के अप्रतिम अध्येता के रूप में उनकी पहचान है। आपकी जो सेवा है, आपका जो सेवा क्षेत्र है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो सेवा क्षेत्र रहा है, साहित्य के क्षेत्र भी इन्हीं विषयों से संबद्ध रहे हैं। 1946 से 1951 तक वे सेंट्रल एशियन इंडियन एंटीक्विटीज़ म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट रहे और साथ ही भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे, और इन पदों को उन्होंने बड़ी ही सफलता और प्रतिष्ठा के साथ संपन्न किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्रोफेसर रहे। पाणिनिकालीन भारतवर्ष जैसा विषय उनका शोध का विषय रहा। साथ ही ये कहा जा सकता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जो विषय है, जो उनका कार्य रहा है, वो हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। तो आज हमारी जो चर्चा है वह राष्ट्र का स्वरूप निबंध का सारांश और उसका विश्लेषण से संबंधित है। इससे पहले हमने इस पाठ का परिचय प्राप्त किया था, इस पाठ का पठन किया था। अब हम इसका सारांश और विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, जो इनका एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है पृथ्वी पुत्र। यह निबंध उसमें से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने विभिन्न तत्वों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जन के मन में विभिन्न तत्वों के सम्मिलन से उसकी उत्कृष्ट राष्ट्र भावना का परिचय दिया है। पृथ्वी के प्रति मातृवत् श्रद्धा जन को आदर्श नागरिक बनाती है, वहीं संस्कृति तत्व उसमें उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा कर उसकी भावात्मक एकता को दृढ़ता प्रदान करती है। प्रस्तुत निबंध एक गौरवशाली राष्ट्रभाव को जनमन में प्रसारित करने का स्तुत्य प्रयास है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने जिन बिंदुओं को उद्घाटित किया है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, राष्ट्रीय भावना उसमें सबसे प्रमुख है। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र और संस्कृति, भूमि और मातृभूमि, मातृभूमि और राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना, जन जागृति और राष्ट्रीयता, उद्यमशीलता और राष्ट्रीयता, समानता व सहिष्णुता और राष्ट्रीयता में क्या संबंध है? राष्ट्रीयता के लिए समानता और सहिष्णुता की भावना क्या महत्व रखती है, इस बात पर उन्होंने प्रकाश डाला है। राष्ट्रीयता और संस्कृति, एक राष्ट्रीयता के लिए संस्कृति की क्या महत्ता है, इस पर प्रकाश डाला है। भूत वर्तमान भविष्य व राष्ट्र और राष्ट्रीयता, इन बिंदुओं को भी उन्होंने बहुत पुरजोर ढंग से उठाया है। राष्ट्रीयता और राष्ट्र का विकास, जनजीवन और राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्रीयता। कोई भी राष्ट्रीयता तब तक जीवित और प्राणवान नहीं हो सकती जब तक कि उसके जो निवासी है
उनके मन में, उनके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं हो। तो लेखक ने राष्ट्र के प्रति जन का प्रेम और राष्ट्रीयता, इस विषय को भी उठाया है। बलवती राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र की समृद्धि, यानी कि जिस देश की जितनी राष्ट्रीय भावना बलवती होगी, वह राष्ट्र समृद्धि और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते हुए एक समृद्ध राष्ट्र और समृद्ध भावनात्मक राष्ट्रीयता की प्रभावपूर्ण एवं सहज सरल व्याख्या इस निबंध की मूल थीम है। लेखक का विश्लेषण बड़ा ही सहज, हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी है। लेखक पर किसी विचारधारा विशेष का कोई आग्रह या पूर्वाग्रह नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। लेखक का मानवतावादी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण सर्वत्र इस निबंध में देखा जा सकता है। जहाँ वो राष्ट्रीयता के संदर्भ में सबके विकास की बात करते हैं, सबके अधिकार की बात करते हैं, सबकी समता की बात करते हैं, वहाँ ऐसा देखा जा सकता है। लेखक बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जिन तत्वों से मिलकर बना है, वे तीन तत्व हैं, पृथ्वी, जनता और संस्कृति। इन तीनों के सामूहिक रूप से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। सबसे पहले भूमि को हम लेंगे। लेखक ने भूमि का वर्णन किया है, मातृभूमि का वर्णन किया है, मातृभूमि की महत्ता का वर्णन किया है और राष्ट्र के निवासियों का उस धरती माता से क्या संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, इसकी बहुत ही मार्मिक व्याख्या उन्होंने की है। लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। इसलिए मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के प्रति सचेत रहे, इसके रूप को विकृत न होने दे तथा इसे समृद्ध बनाने की दिशा में सहज रूप से प्रयास करे, सजग रहे। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह धरती माता ही है, यह पृथ्वी ही है, यह भूमि ही है, यह धराई है, ये वसुंधरा ही है जहाँ पर हम निवास करते हैं। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती, लेखक पृथ्वी के प्रति श्रद्धावान नहीं होती, वह आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व थोड़े समय में ही नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस राष्ट्रीयता की जड़ें जमीन से जुड़ी हुई होगी, वो राष्ट्रीयता उतनी ही बलशाली होगी, उतनी ही ताकतवर होगी और राष्ट्र के लिए समृद्धि की सूचक होगी, अन्यथा वो राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, जिसमें ऐसा नहीं है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीयता की भावनाएँ भी उतनी ही अधिक विकसित होगी। इसलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके रूप सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है, प्रत्येक नागरिक का आवश्यक धर्म है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है। वे जोर देकर कहते हैं कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीय भावना बलवती होगी, सशक्त होगी, सुदृढ़ होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की, भावनाओं की जननी है, राष्ट्र प्रेम की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, मातृभूमि के साथ नहीं जुड़ी हुई है, वह निर्मूल होती है, वह निराधार होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावना का अंकुरण पल्लवित और पुष्पित होगा, यानी कि राष्ट्रीय भावना का संचार होगा, जन्म लेगी। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, महत्ता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक देशवासी का। जिस देश में प्रत्येक देशवासी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस मातृभूमि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, उसकी सुंदरता, महत्ता, उपयोगिता और महिमा से जानकार होगा, वह उतना ही मातृभूमि से के प्रति लगाव रखेगा। धरती की समृद्धि राष्ट्र की समृद्धि है, मातृभूमि की समृद्धि राष्ट्र की समृद्धि है और वह समृद्धि राष्ट्रीयता की द्योतक है।
लेखक राष्ट्र की समृद्धि के लिए विज्ञान और उद्यमशीलता को अहम मानते हैं। इस निबंध में लेखक ने बड़ा जोर देकर कहा है कि विज्ञान, उद्यमशीलता या कि उद्योग जगत का विकास भी राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं, इसलिए राष्ट्रीयता की भावनाओं के लिए ये जरूरी है। वे लिखते हैं कि विज्ञान और उद्यम दोनों ही मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का, संपन्नता का एक नया ठाट खड़ा करते हैं, जिस पर एक समृद्ध राष्ट्र की नींव खड़ी होती है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। कि यह जो कार्य है ये एक दिन का नहीं है, एक वर्ष का नहीं है या कुछ समय का नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र की उन्नति में योग होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। देश का एक भी नागरिक इस कर्तव्य से दूर नहीं होना चाहिए, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। वे मानते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक के मन में देश की धरती के प्रति अपार प्रेम होना चाहिए। उसकी हर वस्तु, हर सामग्री व उत्पादन से उसे परिचित होना चाहिए, उसके ज्ञान में होना चाहिए कि आखिर मातृभूमि की महत्ता क्या है, जिस धरती पर हम निवास करते हैं उसकी महत्ता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। हम पृथ्वी हमारी धरती माता है, उसके प्रति मातृवत पूज्य भाव होना आवश्यक है। लेखक का मानना है कि यह पृथ्वी वास्तु में हमारे लिए माँ है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है, इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व संभव है या बना हुआ है। इसका भान देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, इसका ज्ञान देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, तभी वह मातृभूमि के महत्व को समझेगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई है उनसे हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है और आगे भी होता रहेगा। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जो जलचर और रत्न राशियां भरी पड़ी है, उन सबका हमारे जीवन में गहरा प्रभाव है। हमारे देश के विकास में उसका गहरा प्रभाव है, इसलिए उसका ज्ञान भी देशवासियों को होना चाहिए। और ऐसी जब भावनाएं होती है तो कोई बाहर की शक्ति आकर उस देश पर कब्जा नहीं जमा सकती, अतः हमें इन सब के प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है। लेखक का ऐसा मानना है, जब हम ऐसी चीज़ों के प्रति आत्मीय चेतना रखेंगे तो मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा हमारे मन में होगी, और जिस देश के नागरिकों के मन में, प्रत्येक नागरिक के मन में मातृभूमि के कण कण के प्रति त्याग और समर्पण की भावना हो, प्रेम की भावना हो, श्रद्धा की भावना हो, ऐसा राष्ट्र समृद्धि के ऊंचाइयों को छूता है। उसके महत्व को समझना आवश्यक है, इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित होने में सहायता मिलती है। मातृभूमि की महत्ता, उसके एक एक उपादान की महत्ता हमारी जानकारी में होना चाहिए, और इससे राष्ट्रीय भावना को विकसित होने में हमें सहायता मिलती है। अतः यह प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वह मातृभूमि के महत्ता को समझे। पृथ्वी के प्रति, धरती के प्रति कर्तव्य निष्ठा से हमारी राष्ट्रीय भावना न केवल बलवती होगी अपितु व्यापक भी होगी और राष्ट्र की उन्नति में सहायक भी होगी। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री है, जो भी कुछ सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जल चर और रत्न राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलना चाहिए। इससे हमारी राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना और भावना का सहज रूप से विकास होगा। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती,
तब तक हम सोए हुए के समान हैं। लेखक का मानना है कि नव युवक देश के कर्णधार होते हैं और मातृभूमि की समस्त चीज़ों के प्रति उन नव युवकों में ज्ञान भी हो और उनके प्रति समर्पित का समर्पण का भाव भी हो और उनके उनकी जो महत्ता है उसका भी भान उनको होना चाहिए। हम अगर ऐसा है होता है तो फिर हमारी भावनाएं एक प्रकार से जागृत भावनाएं होगी। लेखक का मानना है कि जब तक उनके मन में मातृभूमि की महत्ता को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होगी तब तक जो कि राष्ट्रीयता की किरणें उनके दिलो दिमाग में नहीं फूटेगी। हमारी राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हो सकती जब तक युवा जागृत नहीं होंगे। राष्ट्र का सर्वाधिक महत्व एवं सजीव अंग है जन, अर्थात मनुष्य। वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है, वापस देखिए, राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण सजीव अंग है जन, अर्थात जनता, अर्थात मनुष्य। वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि पृथ्वी और भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जब तक इस भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य के साथ को साथ में जोड़कर न देखा जाए। जो भूमि जन विहीन है या कि मनुष्यों से खाली है, मनुष्य नहीं है उसमें, तो उसे हम राष्ट्र नहीं कह सकते, उसे हम उसमें राष्ट्रीय भावना जागृत नहीं हो सकती। किसके मन में जागृत होगी? वह राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त भी नहीं कर सकता, लेखक का ऐसा मानना है। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जल अर्थात मनुष्य दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मनुष्य के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, मूलाधार है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। माता पुत्र की भावना के साथ तथा माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र और देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले जनों का विस्तार व्यापक है, उनमें विविधता है, उनके जीवन में विविधता है और इनकी विशेषताएँ भी विविध है। वस्तुतः जन का महत्व सर्वाधिक है, जन के बिना राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। राष्ट्र की प्रगति समानता, अधिकार और कर्तव्य के भाव द्वारा ही संभव होती है। प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है, इसी प्रकार पृथ्वी भी उस पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से देखती है और चाहती है। उसके लिए सभी मनुष्य समान और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनके अधिकार भी समान होना चाहिए, अवसर भी समान होना चाहिए। इसलिए धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं और अवसर प्रदान करती है। धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियों, धर्मों, वर्गों, संप्रदायों और समुदायों से संबंध रखते हों, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र हैं। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी कि जिस एक राष्ट्र के लिए ये जरूरी है कि उस राष्ट्र के सभी नागरिकों का के अधिकार समान हो, सभी नागरिकों में समानता का भाव हो, स्वतंत्रता का भाव हो, सहिष्णुता का भाव हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। जिस प्रकार से धरती माता किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखती है, धरती पर सब जातियों के लिए एक समान क्षेत्र है, इसलिए सभी मनुष्यों को देश की प्रगति और उन्नति करने का एक समान अधिकार और स्वतंत्रता है। किसी एक जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ होगा तभी मनुष्य प्रगति कर सकता है, तभी मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। अतः सभी को एक समान रूप से प्रगति और उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए, तभी उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना जो सशक्त होगी, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नागरिकों में आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वैमनस्य नहीं होना चाहिए,
असमानता नहीं होना चाहिए। वे वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि धरती पर रहने वाले जन अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले होते हैं, फिर भी वे समान भाव से मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे या अलग हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। अगर राष्ट्र में ऐसी भावना है, ऐसी व्यवस्था है, तो वह राष्ट्र, उसकी राष्ट्रीय भावना भी सशक्त होगी और उसकी समृद्धि भी नित नई ऊंचाई को छुएगी। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि कोई वर्ग विशेष या समूह विशेष को छोड़ करके कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। सबको उन्नति का समान अवसर मिलना चाहिए। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेना चाहिए, प्रत्येक अंग का हमें ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा, और राष्ट्र का स्वास्थ्य असमर्थ रहेगा तो राष्ट्रीयता बलवती नहीं हो सकती। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक ऐसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर और संकुचित दायरों से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। इस प्रकार समानता के भाव द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। तीसरा तत्व है राष्ट्र के स्वरूप का, वह है संस्कृति, जिस पर लेखक ने सबसे ज्यादा महत्व या कि सबसे ज्यादा बल दिया है। वे लिखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क, संस्कृति क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक है, जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का स्थान है, वही राष्ट्र के लिए संस्कृति का स्थान है। राष्ट्र में संस्कृति का स्थान है, और जिस प्रकार से एक पेड़ की सफलता उसके पुष्पों के माध्यम से होती है, महता पुष्पों के माध्यम से होती है, यदि किसी वृक्ष पर पुष्प नहीं लगेंगे तो फल भी नहीं आएंगे, और ऐसे पेड़ का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए राष्ट्र में संस्कृति को वे एक पुष्प के वृक्ष की भांति मानते हैं। राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जनजीवन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों से में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके श्वास प्रश्वास में है। बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना कबंध मात्र है, अर्थात जैसे बिना सिर के धड़ होता है। संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति उसकी जीवन धारा है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ संस्कृति का विकास करती है। कहने का तात्पर्य, एक ही देश में कई प्रकार की संस्कृतियाँ एक साथ विकसित होती है, लेकिन उनका एक सामूहिक स्वरूप भी होता है, एक राष्ट्रीय स्वरूप भी होता है, वो जिंदा रहना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक जन अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियों को राष्ट्र के रूप में विकसित करता है। अनेक संस्कृतियों के एक साथ रहने के बावजूद सभी संस्कृतियों का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता, एकता एवं समन्वय की भावना है। यही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारे का स्रोत है, तथा इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। लेखक का मानना है कि हृदय सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है, आदर करता है, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करता है। लेखक ने संस्कृति और राष्ट्र की समृद्धि के लिए परंपरा और वर्तमान के दायित्वपूर्ण संबंध की व्याख्या बड़े ही सुंदर ढंग से की है। वे लिखते हैं कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को
अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। कहने का तात्पर्य यह कि जो हमारी परंपरा है वो गौरवपूर्ण है, या परंपरा के गौरवपूर्ण स्वरूप के प्रति हमारी श्रद्धा होना चाहिए, उसे अंगीकार करना चाहिए। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वापस देखिए, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ऐसे राष्ट्र का स्वरूप समृद्ध होगा, ऐसे राष्ट्र की राष्ट्रीयता भी समृद्ध होगी। इस प्रकार लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र, राष्ट्रीयता, संस्कृति और राष्ट्र की समृद्धि के सूत्र इस निबंध में दिए हैं। वे किसी भी राष्ट्र के लिए वरदान स्वरूप हो सकते हैं, किसी भी राष्ट्र के लिए वरदान हो सकते हैं, किसी भी देश के नागरिक के लिए अभिनंदनीय हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और लेखक ने एक महत्वपूर्ण निबंध इस भावना के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो चर्चा होगी वो इसी पाठ पर आधारित होगी, लेकिन इसमें जो हमने 3 चर्चाएं की है और इस समग्र निबंध का अध्ययन किया है, लेखक का जीवन परिचय, साहित्य यात्रा, साहित्यिक योगदान, उसके सेवा क्षेत्रों आदि से संबंधित जो भी जितने भी प्रश्न संभव हो सकते हैं उनको हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है, उस चर्चा पर हम अगली बार विचार करेंगे। धन्यवाद।